Unlike us, but कई ना भूलने वाले पल हैं हमारे पूरे जीवन में। नहीं, कई बार किसी को समझने के लिए हमें रुकना पड़ता है। चोर पकड़ा गया। ये मेरा दूसरी बार है जब मैंने उसे इतने करीब से देखा है। समय में जादू होता है जो हमें ऊंचाइयों पर तो ले आता है मगर दूरियां भी देता है। पाइथागोरस थ्योरम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होती है। सबसे लंबी साइड सी स्क्वायर के, समझे? सांग जी, उधर क्या देख रही हो तुम? हाँ, अभी अभी एक चिड़ियों की माँ कुछ खाना वापस ले आई बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन दो बच्चे पक्षी खाने के लिए लड़ रहे थे। तब माँ पक्षी उड़ गई और उसने खाना छीन लिया। वो हैरान रह गए और एक या दो मिनट के लिए वो बिल्कुल भी नहीं हिले। सब चुप हो जाओ। सांग जी, अपना ध्यान इधर दो और ब्लैक बोर्ड में देखो। बैठ जाओ, चलो पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए ट्राइंगल एबीसी जिसकी साइड लंबाई 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जाहिर है हम देख सकते हैं सबसे लंबी लंबाई सी है। तो हमें ये कैसे मिलेगा? यहाँ दिया गया है बी साइड लेंथ ए, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, बेस को ऊंचाई से गुना करें और फिर दो से भाग करें। देखा, अगला सवाल कोण एक कोण दो के बराबर है। कोण तीन 108 डिग्री है। सांग जे, बताओ अभी मैं कहाँ था? कोण 472 डिग्री के बराबर है। मैं तो अभी तक वहां था ही नहीं। अभी कहाँ थे आप? चुप हो जाओ तुम लोग। कोण एक कोण दो के बराबर है, तो रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है। चूंकि वे समांतर रेखाएं हैं, एक ही ओर के आंतरिक कोण पूरक होंगे, तो कोण 3 है। रुको, ये एक सवाल के बारे में नहीं है, ये तो तुम्हारा एटीट्यूड है। सांग जी, कल अपने पेरेंट्स को बुलाओ। बैठो, चलो आगे बढ़ो। कोण एक कोण दो के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये दो सीधी रेखाएं हैं, एक दूसरे के समानांतर है, आंतरिक कोण पूरक है, इसलिए कोण 4 को कैलकुलेट करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सुबह के लिए रियली सॉरी, मैंने तुम्हें गलत लाइन दिखाई और फिर से तुम्हें टीचर ने पकड़ लिया। लास्ट हाफ मंथ में ऑलरेडी 2 बार तुम्हारी मॉम यहाँ आ चुकी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने उसे परेशान कैसे कर दिया। जब उनसे उनका सवाल वापस तुमने पूछा, मुझे तुम्हें पंच करने का मन कर रहा था। चैन को अकेला छोड़ो। क्या तुम्हें उसकी आवाज़ जादू ही नहीं लगती? मैं सो गई होती अगर मुझे कुछ और करने को नहीं मिला होता। ठीक कह रही हो तुम, वैसे वो तुम्हें हमेशा कैसे पकड़ लेता है? क्या तुम बुक स्टोर चलोगी? क्यों पूछ रही हो? फुजेंग शू ने हमें इनवाइट किया है और कुछ लड़के भी उसकी क्लास के आ रहे हैं, चलो साथ चलते हैं। वहाँ क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि कुछ रेफरेंस बुक खरीदनी है।
क्या तुम साथ चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी। तुम काफी दिनों से घर नहीं आए, तुम घर कब आ रहे हो सांग जी? क्या तुम कल वापस आ सकते हो? तुम आ रहे हो तो क्या तुम साथ चलोगी या नहीं? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन वो हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ, चलो ना प्लीज। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, आज मेरा मूड नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया गया है? तो तुम क्या करने वाली हो? वो नहीं आ रहे हैं। फिर भी मिस्टर चेन तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करेंगे ही, इसीलिए मैंने अपने भाई को आने को कहा। नहीं, मैं जा रही हूँ। हाँ सांग जी। बाय बाय। अरे सांग जी कहाँ जा रही हो? हमें लगा कि हम बुक स्टोर जाने वाले हैं। ये हमारे साथ जाएगी नहीं क्या? टीचर ने उसे डांटा है, वो अपसेट है। तो क्या उसके पेरेंट्स दोबारा आएंगे? वाह, तुम्हारी तुलना में उसके पेरेंट्स यहाँ अक्सर आते रहते हैं फुसेंशु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अबे जाना। वो मेरी मदद क्यों नहीं करता? सांग्यान, तुम बेदिल हो। कॉलेज जाने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हो। मैं मॉम डैड का सामना कैसे करूंगी? सिली डॉग कहीं का। मुझे क्या करना चाहिए? डॉगी यहाँ आओ। ओ, तुम कितने प्यारे हो। ओ, एक बात बताऊं तुम्हें, सांग्यान वो सिली डॉग मुझे अकेले मुसीबत में छोड़ गया और उसने मुझे गुस्सा भी दिलाया। तुम्हें भी लगता है ना उससे नफरत करनी चाहिए? एक और बात बता दूं, अभी तुम एक छोटे सिली डॉग हो, मेहरबानी करके उसकी तरह मूर्ख मत बनना जब तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है? आओ, तुम ऐसे ही अच्छे हो। ए, तुम भी तो मुझे गुस्सा दिलाते हो ना? क्या तुम भी मुझे गुस्सा दिला रहे हो? मुझे पूरा यकीन है तुम भी बड़े सिली डॉग बनोगे सांग्यान की तरह। घर आ गई तुम? मॉम। एक मिनट रुको, ये फ्रूट पकड़ो और लेकर ऊपर चले जाओ। यान वापस आ गया है। यान वापस आ गया है? हाँ, और सीढ़ियों पर ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। इसे आज क्या हो गया है? यान! क्या चल रहा है? क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? आकर देख लो मेरा चेहरा अच्छे से फिक्स हुआ या नहीं। क्या हुआ, देखकर डर गई क्या? तुम मुझसे भी ज्यादा खुद के बारे में सोचते हो सांग्यान। अबे चुप करना। बता भाई छोटी डैन, क्या किया तूने अब? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ नहीं किया होता तो तू मुझे घर आने को नहीं कहती।
सांग्यान, कुछ तो हुआ है। क्या है, तुम्हारी बहन है सांग्यान? नहीं नहीं, बेटी है मेरी। यान, कौन है ये? डुआन जैक्सू, रूममेट है मेरा। हेलो लिटिल गर्ल, मैं हूँ डुआन जियाक्सू, तुम्हारे भाई का दोस्त। क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं? देख बाथरूम वहाँ है, शीशे में जाके देख ले, तुझसे तो ज्यादा हैंडसम हूँ मैं। सच में? लेकिन तुम्हारी बहन तो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्या मतलब है तेरा? यान, तुमने तो कहा था कि तुम वापस नहीं आओगे। छोटी डायन, तूने समझा कि ये मैं हूं है ना? अबे थोपड़ा तो देख इसका। अभी बताता हूँ तुझे। ले 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 ले। ज़्यादा दिमाग चलता है ना तेरा? ले। अबे चल लड़ेगी। आओ तुझे। क्या तुम भी उसकी तरह सुंदर नहीं बन सकते प्लास्टिक सर्जरी के बाद? देखो अपना बेहुदा चेहरा देखो। इसके अलावा माँ ने मुझे नहीं बताया कि तुम अपने दोस्त को घर ले आए। वैसे भी कमरे में एक इंसान था, मैंने सोचा वो तुम हो। आवाज नीचे। मैं क्यों नीचे करूँ? बच्चे चिल्लाते नहीं है। अच्छा शैतान की माँ। अच्छा ये लो, ये फ्रूट्स खाओगे? उससे परेशान मत होना। जाने से पहले शावर लेगा क्या तू? नहीं, तुम जाओ और कपड़े बदल कर आओ जल्दी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ मैं कपड़े बदल कर। जल्दी करना। यान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूर हट, प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना है। ठीक है, माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। तुम मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे? तुम चाहती क्या हो यही नहीं समझ आ रहा। बता क्या चाहती है। ठीक है, पहले कहो मदद करोगे? नहीं करूँगा। माम से कंप्लेन करोगे मेरी? माम, 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 सांग्यान, अपनी बहन को परेशान मत करो। क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहा है उसे? माम, यान ने मुझे मारा। अच्छा बेटा चुप हो जाओ। ठीक है मैं उसे ठीक करती हूँ अभी, तुम चुप करो। इधर आ तू। क्या किया तूने? अरे माम क्या कर रही हो, छोड़ो ना मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने उसे परेशान किया है। दुआन भी वही खड़ा है। छुआ भी नहीं, झूठ बोल रही है वो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमेशा उससे लड़ाई करते रहते हो। कोई अच्छी बात है, उसे रुला दिया ना। क्या तुम मुझे एक टिश्यू पेपर दे सकते हो? क्या ऐसा तुम दोनों के साथ अक्सर होता है? ऐसा नहीं है, चिंता मत करो। माँ का ये मतलब नहीं था। जब हम छोटे थे तब से ही हम ऐसे ही हैं। क्या तुमने यान से उसकी मदद के लिए नहीं पूछा और फिर बाद में उसे फंसा भी दिया? रुको लिटिल गर्ल, पहले रोना बंद करो। इस बारे में क्या मैं यान से बात कर सकता हूँ? और तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं उससे कहूँगा। कोई फायदा नहीं है, वो मेरी मदद नहीं करेगा। देखो यान इतना भी बुरा नहीं है, समझी तुम? जी आक्सू, क्या कल तुम्हारे पास टाइम है? कल? हाँ कल। अगर मैं कहूँ मेरे पास टाइम नहीं है तो? ऐसा मत कहो, कल तुम्हें रहना होगा। लेकिन क्यों? अगर तुमने यान को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं बताया होता तो ना मैं उससे लड़ती और ना उससे मेरा झगड़ा होता।
तुम्हारी बात सही है, तो फिर बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम प्लीज मेरे भाई होने का नाटक कर सकते हो? सगा भाई, और मेरे टीचर से मिलना। हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया स्कूल में? तुमने किया क्या है? मैं नहीं बता सकती। देखो, कल मेरे पास दरअसल टाइम नहीं है। क्लास में मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया। मैंने सही जवाब दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। तुम्हें लगता है मैं इस पे यकीन करूंगा? मैंने तुमसे सच कहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, कल जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी भले ही मैं तुमसे झूठ बोलूं, लेकिन टीचर कल तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे। सच में? ओए डैन, चल बाहर जा। क्या मैं और नहीं रुक सकती? कपड़े बदलने हैं मुझे। तुमने कहा था तुम बाहर बदलोगे। नहीं, मुझे यहीं चेंज करना है। अगर ऐसा है तो ये भी बाहर जाए। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखने में मजा आएगा। चलो दोनों जाओ। जाओ। अरे जल्दी जाओ यार। और दरवाजा बंद कर दे। तुम कल आ रहे हो या नहीं? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम इसके बारे में यान से क्यों नहीं पूछती? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे अभी फंसाया है। अगर मैं उसे बताऊंगी। देखो यान ऐसा नहीं है। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो दोनों? ओ, ये बल्ब भी खराब हो गया। ठीक है मिस सैंग, मैं अब चलता हूँ। हाँ, तुम जा रहे हो? डिनर के लिए नहीं रुकोगे? मैंने कई डिशेस बनाई हैं। वो मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाना है, आप एंजॉय करें। ओह, और यान तुम्हारा क्या है? ये नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो ये कचरा बाहर फेंकाओ। पहले कागज के डिब्बे बाहर कर दो। जल्दी करो। लाइए मिस सैंग, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तो छोटी सी बात है। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अगली बार डिनर के लिए जरूर आना। जरूर मिस सैंग। ठीक है मैं चलता हूँ मिस सैंग। बॉक्सेस कहाँ है मॉम? बाय लिटिल गर्ल, अगली बार मिलते हैं। हे, क्या तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? अभी तो टाइम है, डिनर करने के बाद क्यों नहीं जाते? शायद अगली बार। अगली बार कब होगा? अबे यार, तू भी क्या एलिमेंट्री स्टूडेंट के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? मैं एलिमेंट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मैं 8वीं क्लास में हूँ। ओलेले, मेरा बच्चा 8वीं क्लास में। तो तुम 8वीं क्लास में हो और 14 साल की हो? तुम ये कहना चाहते हो 8th क्लास में होने के लिए मेरी उम्र कम है? हाँ, यही कहना चाहता है बच्ची। नहीं, ऐसा नहीं है लिटिल गर्ल, मुझे गलत मत समझना। इस पर मैं बहस नहीं करूंगी, मैं लंबी हो जाऊंगी, इसमें कैसी चिंता। ओले ओले, तेरी हाइट इतनी रहेगी बच्ची, समझी? तो 30 की भी हो जाएगी ना, तब भी तो इतनी छोटी लगेगी। तो सिर्फ इसलिए कि तुम लंबे हो तो लोग मान लेंगे कि तुम मेरे डैड हो? बाय। तुम 14 साल की हो और स्कूल का नाम क्या है? जूरी मिडिल स्कूल, ग्रेड 8 क्लास 1। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सांगजी है। सांगजी? हाँ, जी का मतलब मासूमियत। युआन जैक्सू, चलना। हाँ, आता हूँ। तो सांगजी, तुम्हें पता है कि हम अगली बार कब मिलेंगे? बाय। आते हुए गेट बंद कर दियो। अगली बार? रुको, वो कब होगा? कल? तो क्या वो कल आ रहा है या नहीं? उसने मुझे सही सही क्यों नहीं बताया?
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओए छोटी डैन, मुझे इग्नोर मार रही है। ओए दिख नहीं रहा मैं? हाय यान, तुम वापस आ गए? अरे मैं अपने घर में ही तो हूँ, कहाँ से वापस आया मैं? तो तुम जानते हो कि ये तुम्हारा घर है। आखिरी बार तुम कब वापस आए थे? तुम मॉम डैड से पूछो, क्या वो तुम्हें पहचान पा रहे हैं? अरे एक महीने बाद तुझसे मिलने आए हूँ और तू मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ तो फिर तुम उससे कैसा एटीट्यूड एक्सपेक्ट करते हो? स्वागत है, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है, घर में तुम्हारा स्वागत है यान। क्या तुम खुश हो? चलो तुम्हारे लिए तालियां बजाती हूँ। बहुत हो गया, चलो बैठो बैठो। चलो ये पैनकेक टेस्ट करो, तुम्हारे पापा ने बनाया है, गर्मा गर्म खा लो। टंग 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 टंग। हेलो, मेरा नाम सांगी है और मैं इस तरह से बात करती हूँ। खुदाना बंद करो, चलो खाओ जल्दी। थैंक यू डैड। डैड मैं अपने कैंपस में वापस जा रहा हूँ तो मुझे आपकी कार चाहिए होगी। क्या बहुत सारा सामान है? मैं एक मूविंग कंपनी का इंतजाम कर सकता हूँ। मैं कैंपस शटल में फंस कर नहीं जाना चाहता। जहाँ तक मुझे याद है मेन कैंपस तो जी के स्कूल के पास है ना? तुम जी को बाद में स्कूल से पिकअप कर सकते हो? नहीं मैं कॉलेज में, बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता। मैं अभी 11th क्लास में हूँ। हाँ तो बच्ची ही तो हुई। अच्छा डैड मैं दोपहर में आपकी कार ले जा सकता हूँ? मुझे अपने रूममेट का थोड़ा सामान भी लाना है। जो भी तुम चाहो करो, पर अपनी बहन को परेशान मत करना। ठीक है कोशिश करूँगा। कौन सा रूममेट? ऐसा क्यों पूछ रही है तू? चाहती क्या है? क्या तुम्हें शिफ्टिंग में मेरी हेल्प चाहिए? तू मेरी मदद करना चाहती है? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। चल स्कूल जा। मैं स्कूल के बाद आ सकती हूँ, वैसे भी तुम मेरी मदद के बिना नहीं कर पाओगे। जी तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इन दो दिनों में, तुम्हें उसके लिए पढ़ाई करनी है। मेरी रिवीजन हो चुकी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मेरी माँ, जाके अपना रिवीजन कर ना। और वैसे भी आई एम श्योर तेरे आने से पहले शिफ्टिंग पूरी भी हो चुकी होगी, समझी? मॉम डैड यान काफी समय से घर नहीं आया, मैं उसे बहुत याद कर रही थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। देखो कितनी समझदार हो रही है, इसे मदद करने दो, ठीक रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। अरे मॉम डैड ये मेरी मदद कैसे कर सकती है भला? सामान काफी भारी है, इससे नहीं उठेगा, और अगर इसने कोशिश की तो इसे बहुत बड़ी चोट भी लग सकती है। अरे बस उसे अपने सामान की देखभाल करने दो। ठीक है जो करने करो। ठीक है फिर मैं तुम्हें स्कूल की बात कॉल करूंगी। क्या तुम्हें ये चाहिए? ठीक है मैं खा लेती हूँ। हेलो हेलो, मैं यहाँ हूँ। अरे अरे तुम सच में आ गई क्या? कहाँ हो तुम? मैं बिजी हूँ, तुम्हें लेने नीचे नहीं आ सकता। मुझे बताओ अभी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। रूम 525 ब्लॉक 9। ब्लॉक 9, समझ गई। हाँ हाँ ठीक है। सिली डॉग, ये तो डैड की कार है। चोर पकड़ा गया।
संज्ञान। हाँ तुमने कहा था कि तुम बिजी हो और मुझे ला नहीं सकते। तुम तो बिल्कुल भी बिजी नहीं, तुम आना ही नहीं चाहते थे ना। अरे अभी अभी सामान को अनपैक करके बैठा हूँ मैं यार। नहीं तुमने नहीं किया, तुम बिल्कुल भी नहीं हिले और तुमने अपनी चीजें साफ तक नहीं की। मॉम ने तुमसे कहा था मुझे लाने के लिए। ये मुझे दो। संगीत, संगीत, तेरी बहन है क्या? हाँ, इससे मिलो। क्यानफी है इसका नाम। हेलो क्यानफी, मैं सांगजी हूँ। हे छोटी बच्ची, तुम बहुत प्यारी हो। पीछे हट। अरे पहली बार है जब मैं उससे मिल रहा हूँ, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो इसमें गलत क्या है? अबे डर जाएगी तुझसे वो। अभी के लिए माफी छोटी बच्ची। कोई बात नहीं। हाँ इधर आओ लिटिल गर्ल, यहाँ बैठो। जा बैठ जा जाकर। मैं बच्ची नहीं हूँ। क्या? मैंने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा ठीक है लिटिल गर्ल। वैसे रात को खाने में क्या है? आखिरकार हम यहाँ आ गए हैं और तुम्हारी बहन भी यही है। कैंटीन में खाना नहीं खाते हैं, मॉल में एक अच्छा हॉटपॉट रेस्टोरेंट है, बोलो क्या कहते हो? अच्छा चलो बारबेक्यू चलते हैं, वहाँ एक फूड स्ट्रीट है कॉलेज टाउन के पीछे, चलो वहाँ चलते हैं। हॉटपॉट प्लीज। क्या तुमने अच्छी तरह बारबेक्यू नहीं लिया? ओए डायन, ओए डायन, हॉटपॉट चाहिए बारबेक्यू? यू चलो आज रात एक हॉटपॉट ले। तुम लोग जाओ, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। हैं? क्या सच में शिव? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? यार वैसे गर्लफ्रेंड तो मुझे भी चाहिए, कोई है तेरी नजर में? इंट्रो करवाना। देखो लाइन मत काटो, पहले मुझे एक से मिलवाओ। बता कैसी लड़की चाहिए? कोई भी लड़की चलेगी जब तक वो मुझे पसंद करे। ज्ञानफी मेरे भाई ने मुझे बताया इस कॉलेज की सभी लड़कियाँ उसका पीछा करती है। देखो छोटी बच्ची, मैंने आज तक इससे ज्यादा मोटी चमड़ी वाला नहीं देखा। हाँ वैसे मैं भी देख रहा हूँ, सांगेन आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। अबे तो जाना यहाँ से। अच्छा सुनो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। जी अगर तुम्हें ये डॉल पसंद है तो तुम इसे ले जा सकती हो। बाय। वो इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? अरे द्वान जोक्षु ने उसे अभी तक फेंका नहीं, उसे हुआ क्या है? वो सिर्फ एक डेकोरेशन है उसके बिस्तर पर। अरे पूरी तरीके से बेकार है। वैसे क्यानफी, हाँ? क्या सियाक्सो की कोई गर्लफ्रेंड है? क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ये दिया है? वो हर दिन बिजी रहता है और वैसे भी इसके लिए उसके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। मुझे लगता है पिछले सेमेस्टर में उसे ये प्राइज मिला था। तो उसे वहीं छोड़ दो। अरे तुम क्या उस डॉग के साथ खेलते ही रहोगी? पसंद नहीं आ रहा तो फेंक दो ना उसे। डॉग? अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई और वो नानवो के दो डॉग्स के नाम से फेमस है। मैंने सोचा कि यान ही एक डॉग है। चलो बहुत हुआ, हॉटपॉट चले हैं बारबेक्यू। मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है डिनर के बाद घर छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं थैंक्स, मुझे सिर्फ घर जाना है, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे घर तो छोड़ ही सकता हूँ तुम्हें। मैं बस ले लूंगी। बड़ी हो गई है ये। ठीक है टाइम हो गया, चलो चलो मैं जा रही हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। आसिमोव, अनंत कालकांत। लेकिन ये खुद को बदलता है एक पहचान में, छोटे आयामों का एक लूप है बिना किसी परेशानी के। दोनों तरफ रहते हैं,
इस बात को समझ सकते हो? शायद ये हमारे बीच की दूरी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस किताब के बारे में। मैं सिर्फ किरदारों को समझ पा रही हूँ। सांग्यान, थीसिस कैसे चल रही है तेरी? मेरे पास तो रेफरेंसेस ही नहीं है, कल लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तुम्हारा सही है, मेरा तो अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ। दरअसल मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। अरे तुम आ गए वापस? मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जाके खा लो। ठीक है, अभी जाता हूँ। वैसे एक बात बोलूं, मेरे मोटे होने के पीछे तुम्हारे इन खानों का बहुत बड़ा हाथ है। अरे शिव, मेरी बहन का कॉल आया था, वो कह रही थी तुम्हारी कोई चीज उसके पास रह गई है। उसके पास मेरी चीज है? हाँ रुको, कॉल करता हूँ उसको। क्या तुम्हें वो चीज मिल गई? लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हारे पास क्या छोड़ा था? नहीं, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। मेरा कुछ सामान छूट गया था वहां। वो क्या था? एक नोटबुक। अच्छा, मैं यान से पूछूंगा कि क्या वो बुक मेरे लिए ले आएगा। लेकिन अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया है। क्या तुम ही अपने लिए करवाना चाहती हो? नहीं, क्योंकि ये कंपोजिशन है, शायद मुझे इसे खत्म करने में टाइम लगेगा। वैसे तुम यान से क्यों नहीं पूछती, वो तुम्हारे लिए कर देगा। वो मेरी टांगे तोड़ देगा। सांग जी, ये होमवर्क तुम्हारी टीचर ने तुम्हें करने के लिए दिया है, और अगर तुम इसे करके नहीं ले जाओगी तो तुम्हें अपने टीचर के लिए ईमानदार रहना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उनसे कहोगे तुम बाद में कर लोगी, लेकिन कभी भी होमवर्क किसी और से मत कराओ। तुम्हारे स्कूल पहुंचने का टाइम क्या है? सुबह 7:40। सुबह 7:40 पर? अच्छा, तो तुम सुबह 7 बजे उठती हो, तो फिर क्या तुम सुबह 6 बजे उठ सकती हो? वो क्यों? कल मैं तुम्हें सुबह 6:40 पर बस स्टॉप पर मिलता हूँ। जब तुम ऐसे लिखोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये ठीक रहेगा ना? अगर ऐसा है तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि अब क्या लिखें। इसके बाद तुम नहाकर सो जाना। ठीक है। और सुबह के 6 बजे का अलार्म सेट करना मत भूलना, फिर मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब सो जाओ, गुड नाइट। ये लो तुम्हारा फोन। क्या छूट गया था तेरा? कुछ खास नहीं है। वैसे तुम लाइब्रेरी कब जाओगे? सुबह में, जितनी जल्दी हो सके। सुबह सुबह क्यों? मुझे अपने रिसर्च टॉपिक और पक्के करने हैं, ताकि मैं अच्छे से डिबेट कर सकूं। अभी बहुत काम करना है मुझे। मुझे कल सुबह याद से जगा देना। हाँ, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट।
अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो सच में आएगा? आप इस तरह से भी थ्योरम के बारे में बातचीत कर सकते हैं, इसलिए हम दो थ्योरम को कहते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। हाँ, सब लोग कन्वर्स थ्योरम को अच्छे से याद कर लो। मेरी क्लास 4:20 पर खत्म होती है, मैं उसे बताना भूल गई। जहाँ तक कैथेडी की बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या वो आने की तैयारी नहीं कर रहा है? शायद मुझे यान को उससे पूछने देना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, सेंग्यान पता लगा लेगा। पूरी क्लास के दौरान तुम्हारा ध्यान नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया? हाँ, क्या मैंने ऐसा किया? नहीं, तुमने नहीं, मैंने किया। आज का होमवर्क पहले के 10 पेज होंगे तुम्हारी किताब के, समझे? क्लास खत्म, खड़े हो जाओ। गुड बाय सर। सांगजे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ ऑफिस में। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो सांग जी, तो तुम जानती हो कि हमें अगली बार कब मिलना है ना? क्या मतलब था उसका? क्या वो कल आएगा? मैं हूँ दुआन जी अक्सु। दुआन जी अक्सु, वो कौन से 3 कैरेक्टर्स हैं?